के समय सेवक संघ भिवाड़ी नगर के माना प्रताप मंडल में स्थित राजश्री रॉयल रेजिडेंसी सोसाइटी में श्री पंचमुखी हनुमान शाखा का ध्वज प्रदान कार्यक्रम का संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में परम पवित्र भगवा ध्वज का विधिवत पूजन किया गया। पूजन के पश्चात मुख्य अतिथि रहे रतिराम पटेल व जिला प्रचारक भगत सिंह ने ध्वजा को शाखा कार्यवाह अमित गुप्ता को सौंपा। कार्यक्रम की अगुवाई मातृशक्ति की प्रेरणादायक कलश यात्रा से हुई, जिसमें मंगल वेश में मातृशक्ति सर पर कलश धारण किए हुए चली। कलश यात्रा के पीछे घोष दल की कर्ण प्रिय आवाज व विजय घोष के साथ कदम से कदम मिलाते हुए समय सेवकों ने पथ संचालन किया। यह संचालन राजश्री सोसाइटी से होता हुआ राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने से होकर अरावली विहार के सेक्टरों से होकर वापस सोसाइटी में संपन्न हुआ। पथ संचालन करते समय मुख्य मार्ग पर विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी व बड़ी संख्या में सज्जन शक्ति द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्यता प्रदान की गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता जिला प्रचारक भगत सिंह ने संघ की पृष्ठभूमि का प्रकाश डालते हुए शाखा व शाखा व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला विषय को सरल शब्दों में सभी के सामने रखा। व्यक्ति समाज व राष्ट्र को संगठित एवं शक्तिशाली बनाए रखने के लिए उन्होंने चीनी सामग्री का बहिष्कार कर स्वदेशी पर जोर दिया। संचालक विपिन चौधरी ने अपने आशीर्वचन में कहा कि सभी साथ मिलकर अपनी भारत माता को पुनः परम वैभव पर पहुंचाने में अपना योगदान करें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रतिराम जिला संघसाचल विपिन चौधरी, जिला प्रचारक भगत सिंह, किरोड़ीमल गुप्ता, सचिन कुमार, आशीष कुमार, गोपाल अग्रवाल, चैम फ्लोर आश्री रेजिडेंसी से अमित गुप्ता, विशन शर्मा, नत्यराम शर्मा, मृदुल पटेल, मनोज पाल आदि लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सभी में बहुत जागरूकता है और देश निरंतर, पिछली दिवाली पे भी हमने देखा है कि लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया है और स्वदेशी अपनाने में सब लोग आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और इसी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी निरंतर अपनी शाखाओं द्वारा व्यक्ति निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करता रहता है। धन्यवाद। ये त्रिहान फोर के बारे में कैसे पता चला आपको यहाँ राशि रोल में ये प्रोग्राम करना है, किसने रिकमेंड किया आपको? हमारे यहाँ नियमित मिलन, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता यहाँ रहते हैं और हमें यही नहीं पता लगा। हम तो पूरे भारतवर्ष को ये मानते हैं कि ये हिंदू के परम भूमि है और भारतवर्ष में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। तो जो भी इस पावन धरती पर रहता है वो एक ना एक दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझेगा और इसकी कार्य पद्धति को जानेगा और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। तो अभी आप पूरा भिवाड़ी कवर कर रहे हैं, आप पर कौन कौन से हैं, त्रिहान में कौन है आपके जो मुख्य हेड है उनका बताएंगे? मेरे बगल में ही खड़े हैं अमित गुप्ता जी हैं, ये शाखा कारवा हैं। हिंदुस्तान के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? हिंदुस्तान के लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि जैसा कि अभी मैंने बताया कि अपने देश के ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादों के बारे में परिवार में चर्चा करें और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बारे में चर्चा करें, और हमारे ऋषि मुनियों ने जो ये हमारे को एक धरोहर दी है हिंदुस्तान, इसको परम वैभव पर ले जाने के लिए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक संकल्प है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभी अपनी 100वीं शताब्दी मनाने जा रहा है 2024 में, तो हम लोग इसके लिए बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम उसके सभी लोग निमित्त होंगे। उस शताब्दी वर्ष में हम लोग, हमारे सामने होगा और हम अपना परम वैभव का जो सपना है पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने देखा था, वो हमारे सामने साकार होते हुए हम देखेंगे। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।